कुछ फिल्टर इफेक्ट बता रहे हैं। वाटर का कलर जो होगा उसको एक लेते हैं, सिलेक्शन डिसलेक्ट फिल्ट सिलेक्शंस रखते हैं, ठीक है। सिलेक्शंस रखते हुए फिल्टर के अंदर डिस्टॉर्ट वेव दीजिएगा तो इस तरह का लहर आएगा, और फिल्टर के अंदर डिस्टॉर्ट जिग जैग दीजिएगा तो इस तरह का पाउंड का अराउंड फ्रॉम सेंटर हल्का रिपल किनारे किनारे आया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा चाहते हैं तो दो तीन बार, ठीक है। हाँ, इसके नीचे एक नया लेयर लेके आप चाहें तो वाइट कलर डाल के रखेंगे तो ज़्यादा साफ दिखेगा ऑब्जेक्ट। ये लिए बकेट से आप सिलेक्शन डिसेलेक्ट ठीक इसके ऊपर एक नया फिर लेयर लेते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, वही ग्रेडियंट कलर जिस डायरेक्शंस में हो लाइट आ रहा हो उसको डायरेक्शन को लेते हुए राइट साइड बटन ब्लेंडिंग ऑप्शन बेवल एंड एम्बॉस, इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये सेंटर की ओर। और ये जो सेंटर ये जो चीज़ है ये चीज़ बाहर रहता है, देख रहे हैं, अंदर की ओर जाए अब एकदम इसके सेंटर के पास ले जाते हैं तो इसका इस तरह का बबल्स एक लाइट जो है स्पॉट है ना वो लाइट का स्पॉट बन जाता है सेंटर के एकदम थोड़ा सेंटर से नहीं सेंटर थोड़ा सा हट के, ठीक है। ओके, इस चीज़ को ओपेसिटी देते हैं तो पीछे का तो पीछे का जो इन्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से ये ठीक। अब ये जिस शेप का हो एडिट फिर ट्रांसफॉर्म कलर लाने के लिए इमेज एडजस्टमेंट लेवल कलर का ग्राफ पेपर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर शाइनिंग इसका चेंज करना है या कुछ चीज़ ग्लॉसीनेस चेंज करना है तो यहाँ से, ठीक है। फिल्टर के ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस में यूज बेवल एंड एम्बॉस में यूज ग्लोबल लाइट हटा के इसको अगर यूज करेंगे ठीक, ओपेसिटी एक था तो नहीं पता चल रहा था, जब मल्टीपल होगा इसमें ठीक। लेयर मर्ज विजुअल ठीक, फाइल सेव